आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 11 से 3 दिन के लिए विदिशा आ रहे हैं। मोहन भागवत की तैयारी के लिए टीलाखड़ी सरस्वती स्कूल में अंदर और बाहर रोड पूरी तरह से तैयार किए जा रहे हैं। गार्डन और परिसर पर भी चकाचक किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन राव भागवत 11 जनवरी से 3 दिन के लिए विदिशा आ रहे हैं। मोहन भागवत के आगमन को लेकर आरएसएस द्वारा जहां गली मोहल्लों में तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, भारत माता की आरती की जा रही है, गौ माता की पूजन कर घास खिलाई जा रही है, जैसे तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत सरस्वती शिशु मंदिर टीलाखड़ी के समनगर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लिहाजा सरस्वती स्कूल को चकाचक करने के लिए पिछले एक सप्ताह से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सरस्वती स्कूल के पीछे और सामने वाला उखड़े पड़े रोड को दुरुस्त कर डामर डाला जा रहा है और नई सड़क बनाई जा रही है। सरस्वती स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक की नई सीसी रोड बनाई गई है। परिसर भी अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को लेकर भाजपा, आरएसएस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार तैयारियां की जा रही हैं।